मुझे अपना वोट जरूरी डालना है और मैंने अंग्रेजों की हुकूमत देखी, कांग्रेस की वजारत और मोदी की सरकार देख रहा हूँ मैं। मुझे तो ये लगता ज्यादातर तो ये मेरे को ही देख रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त विनोद शर्मा और पोलिंग की जो फिलहाल की तस्वीरें आपके साथ लेकर के आ गया हूं, आप देख सकते हैं फिलहाल खड़ा हूं मैं लाला बंसीलाल कन्हैया लाल ठेकेदार, ये एक पोलिंग बूथ बनाया गया है यहां पर। फिलहाल आप देख सकते हैं, तस्वीर दिखा दें किस तरीके से, और सलाम करता हूँ मैं हिंदुस्तान के वोटर्स को, भिवानी के वोटर्स को, इस हालात में भी वोट डालने के लिए आ रहे हैं क्योंकि ये परिवर्तन चाहते हैं, बदलाव चाहते हैं और भिवानी का विकास चाहते हैं। फिलहाल पुलिस प्रशासन भी मौजूद है और हर जगह बूथ पर जाएँ, मैं आपको आगे की तस्वीरें दिखाऊंगा। हम कई बूथों पर होके आए हैं, कैमरा अभी स्टार्ट किया है, थोड़ा सा इसका ISO घटा लें। और माहौल ऐसा है कि बारिश की वजह से लोग जो नहीं आ पाए थे वो अब वोट डालने के लिए आ रहे हैं। हालांकि समय की बात करूं 11:30 के आसपास का, ये 11:15 के आसपास का समय हो चुका है। संजय जी, क्या माहौल है वोटिंग का? बढ़िया, पीसफुल एरिया, बिल्कुल पीसफुल एरिया, शांतिपूर्ण माहौल में मतदान चल रहा है और सब मतदाता बड़े शांति से प्यार से वोट डाल रहे हैं। प्रशासन ने बड़ी सुंदर व्यवस्था की हुई है और हम इस प्रशासन का धन्यवाद करते हैं इस शांतिपूर्ण प्रिय माहौल बनाने के लिए, और सभी मतदाता हमारे समझदार हैं और शांति से अपना का प्रयोग कर रहे हैं। दिखा दें, मैडम भी लाइन में है, कतार में है, ये पता नहीं चुनाव को संभाल रही है या फिर वोट डालने आई है। सर, मैं सुबह से चुनाव संभाल रही हूँ और अब मैं अपना वोट डालने आई हूँ एक्चुअली जी। माहौल क्या चल रहा है भिवानी में, कितने बूथों पर गई? मैं करीबन 8-10 बूथों पर जाकर आई हूँ। माहौल बहुत बढ़िया है, लोकतंत्र है और लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा भी ले रहे हैं। कितने परसेंट हो पाएगी? 75 से अब हो आराम से जाएगी, जिस तरह से मैं लोगों में क्रेज देख रही हूँ चुनाव का, तो आराम से इतनी वोटिंग पोलिंग जाएगी। आम जनता का चुनाव बन चुका है? बिल्कुल जी बिल्कुल, वो पहले दिन से ही आम जनता का था और आज भी आम जनता का ही चुनाव है। अभी क्लियर पत्ते तो खुले नहीं होंगे, जनता खोलेगी भी नहीं, 22 तक इंतजार करना पड़ेगा भिवानी को, या लगने लगा है लोगों को? हालांकि बात नहीं करूंगा कौन जीत रहा है, लेकिन लगने लगा है एक तरफा कोई जीत रहा है? नहीं नहीं, देखिए अभी क्या है कि 11 ही बजे और जैसे कि सुबह बारिश का माहौल था तो, लेकिन फिर भी आप देखो लोगों में कितना उत्साह है। जैसे जैसे थोड़ा मौसम और ठीक होगा तो लोग जैसे आएंगे तो शाम तक कुछ रुझान आ जाएंगे, आई होप सो। चलिए फिर भी प्रिया से दोबारा बात करेंगे। अंचल भाई, क्या माहौल चल रहा है ये यहाँ पे, आपके किसी जानकार का वोटिंग है क्या, उनका बूथ है या क्या माहौल? बिल्कुल जी, ऐसा है, यहाँ तो चुनाव तो सबके लिए समान है, इसमें कोई जानकार और कोई जाति विशेष महत्व नहीं रखती। वोट डालने नहीं है, हमारे भाई हर्षदीप का यहाँ पर इलेक्शन यहाँ पर है, चल रहा है, तो हर्षदीप भाई की सपोर्ट में भी चल रहे हैं और आगे जो हमारा ऊपर चेयरमैन वाला चुनाव है उसकी भी सपोर्ट में चल रहे हैं। बहुत ही शांतिपूर्ण ढंग से चुनाव हो रहा है, बहुत ही खुशी है, प्रशासन बहुत मुस्तैद है, SP साहब DC साहब ने बहुत ही अच्छा सराहनीय कार्य कर रखा है, इसके लिए मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। फिलहाल एक तस्वीर आपको ये दिखाऊंगा, ये तो यंग वोटर हैं, ये तो आ जाते हैं, ताऊ और ताई की जोड़ी देखी, ताई डाला ही वोट आप? डाला ही भाई, इतनी बारिश हो रही है फिर भी वोट डालना जरूरी था। अतव जी, कितनी उम्र होगी आपकी? मेरी उम्र होगी 82 की उम्र है इनकी, और वोट डालना अधिकार है जितना एक युवा का, उतना ही दम आज ताऊ जी ने दिखाया। बारिश के बीच निकले हो, जरूरी है वोट डालना, लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे? भाई वोट, आज वोट की जिंदगी है, वोट के बिना कोई वैल्यू नहीं इंसान की। सब भाई में चलिया गए बेचारे, दुख पा के आने लग रही है, तो मेरा क्या बिगड़ता है? आपसे तो चला भी नहीं जा रहा था, रिक्शा से आए हैं। ये देख जावांगे भाई, रिक्शा से ही आए हैं और रिक्शा से ही जा रहे हैं फिलहाल, अब देख सकते हैं। और अंदर में एक बार थोड़ा सा माहौल दिखाऊंगा अंदर का, और ऐसा ही साहब है जो ड्यूटी यहाँ पे लगी है। ठीक चल रहा है चुनाव? बढ़िया चल रहा है, अच्छा चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है? नहीं कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं है। सतीश जी से बात कर लेता हूँ एक बार। सतीश जी, माहौल क्या है यहाँ पे, जिस तरीके से लोगों की भीड़ है, सुबह बारिश हुई, अब ज़्यादा भीड़ आ रही है, कैसे मैनेज कर पा रही है? देखो बिल्कुल शांति प्रिय चल रहा है, और लोग जैसे बारिश के टाइम थोड़ी सी दिक्कत आई थी, लेकिन अब लोग दोबारा से आना शुरू हुए हैं, दोबारा से स्टार्टिंग लोगों की आवाजाही शुरू हो गई है, और आप देख रहे हो बिल्कुल भी तरीके से एक पंक्तिबद्ध तरीके से मतदान चल रहा है, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है, सब शांतिपूर्ण चल रहा है। पब्लिक कितना कोऑपरेट कर रही है शांति बनाने की अपील आप लोग तो कर ही रहे हैं, पब्लिक का कोऑपरेशन पुलिस? पब्लिक भी हमारे साथ, आप देख जैसा देख पा रहे हो, लाइन रोड को क्लियर कराने में हमारी मदद कर रहे हैं, लोगों को समझा रहे हैं कि अनावश्यक व्यक्ति ना खड़े रहें, जिन्होंने पब्लिक का हमें कोऑपरेशन मिल रहा है इस मामले में।
हर्षदीप जी से ये कैंडिडेट हैं, इनसे बात कर लेता हूँ फिलहाल। और देखिए इस तरीके से यहाँ पे चेकिंग की जा रही है कि किसका वोट यहाँ पे है, और यहाँ पे ये यस कर देते हैं जिसका भी। हाँ जी, क्या माहौल चल रहा है यहाँ पे, चुनाव ठीक चल रहा है? बहुत बढ़िया माहौल चल रहा है, लोगों में काफी उत्साह है। सारे कैंडिडेट खुश हैं, कोई ऐसी बात ही नहीं आपस में कोई मतभेद हो या सर इलेक्शन है, कोई ऐसी बात नहीं, कोई द्वेष नहीं है। ये तो सेवा भाव होना चाहिए, हर एक आदमी जो इलेक्शन लड़ रहा है वो सेवा भाव से लड़ रहा है, सब ये भाईचारे का इलेक्शन। कब तक पत्ते खुल जाएंगे मान के चले, कब तक, और वोटिंग कितनी होने का अनुमान? वोटिंग अभी तक मेरे का 30% तक हो चुकी है हमारी लगभग। कैंडिडेट कोशिश कर रहा है कि अपने जितने वोट रहे उनको ज्यादा से ज्यादा लेके आए? बिल्कुल कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है। जिसके उसके संपर्क है पहले जाता है फटाफट निकालें, घरों में जाके लोग उनको प्रेरित कर रहे हैं कि अपने वोट डाल के आइए, उनकी ताकत है वोट। ये इसने थोड़ा बहुत माहौल बिगाड़ा था सुबह जिस तरीके से, थोड़ा बहुत मौसम अच्छा सुहाना हो गया ना, गर्मी होती तो ये वोट भी ना होता। आज पोलिंग अच्छी होगी देखिएगा आप। कितनी उम्र में ये ताऊजी हैं, ये सारे लोग हैं, ये आए हैं। और महिला पुलिस की बात करूं, यहाँ पर हर किसी को तैनात किया गया है। फिलहाल आप देख सकते हैं लगातार मेला बन चुका है भिवानी में, और ये सामने मैं आपको तस्वीर दिखाऊंगा तो शायद आपको यूँ लगेगा कि भिवानी में ये कौन सा मेला लग गया है। और माहौल ऐसा है कि सामने देखिए, थोड़ा सा ऊंचा उठा के दिखाएं प्रदीप एक बार, देखिए जाम की स्थिति और वोट डाल लोग कितने आतुर हैं। कितने मान के चलिए कि उनके अंदर जिज्ञासा है और सोच है। मेरे साथ एक और जैन चौकी प्रभारी हैं, मनीष जी माहौल कैसा चल रहा है चुनाव का, इतनी सारी भीड़, इनको मैनेज करने के लिए पुलिस किस प्रकार काम कर? बिल्कुल पीसफुल इलेक्शन कराया जा रहा है, फोर्स लगाई जा रखी है और शांतिपूर्वक चल रहा है। तो आप यही मैनेज कर रहे हैं या दाएं बाएं भी आपको जाना होता है? जैन चौकी का जितना एरिया हमारे को पूरा जैन चौकी एरिया दिया हुआ है, वहाँ पे जितने भी बूथ हैं उन पे जाके संभाल। कितने बूथ आते हैं सर आपकी जैन चौकी? हमारे यहाँ पे बूथ लगभग 35 के आसपास हैं और लोकेशन 13 हैं जिनमें हमारे को देखना होता है। ये देखिए इतने सारे बूथ थे, एक अधिकारी को यहाँ पर देखने पड़ रहे हैं। भोली मिल गया मुझे, भोली बेचैन है, चिंतित है या टेंशन फ्री हो लिया? बिल्कुल टेंशन फ्री है, एक तरफा जीत है। अच्छा, और बैट बिल्कुल चलेगा। अच्छा, बिल्कुल छक्के लगने वाले, बॉल सब बाहर है, छक्का ही लगेगा। ग्राउंड से बाहर बाकी ग्राउंड से बाहर है, 2 बजे तक फैसला ही हो जाएगा। अच्छा, फैसला ही कर देगा बोली। ये देखिए जिस तरीके से, और माहौल ऐसा है कि बुजुर्ग आए हैं, हर कोई आया है यहाँ पर। आप लोग वोट डालने आए हैं? हाँ जी, वोट डालने आए। अच्छा, वोट डालने के लिए इतनी सारी भीड़ है लोगों में, यूँ है कि मन बना जाओ जी, बहुत लोग हैं आपकी बार। अच्छा, हाँ जी जी, देखिए ये महिलाएं आई हैं इतनी सारी, और वोट डाल के हर कोई फिलहाल यहाँ से निकल रहा है। और चाव सा बन गया है कि मेला सा बन गया है, माहौल ऐसा दिखा दे हर कोई यहाँ पे। हाँ तई, वोट डाला ही? अच्छा, बारिश हो रही है फिर भी इतने सारे लोग आ रहे हैं, मतलब कि लोगों को अच्छा लग रहा है, मेला बना दिया। अच्छा लग रहा है भाई। अच्छा, डाल दिया वो? हाँ। कितना टाइम लगता है वोट डालने में? लग रहा है भीड़ की वजह से ज्यादा 10 मिनट लग गए। अच्छा जी, बढ़िया, ठीक चल रहा है? बिल्कुल अच्छे से चल रहा है, सुख शांति से है सारा मतदान, और लगभग 10 मिनट में नंबर व्यक्ति का आ रहा है। अच्छा, और बिल्कुल के अंदर भी नंबर आ जाता है। एक मोबाइल वाली बात चली थी, मोबाइल बाहर रखवा रहे हैं? हाँ बिल्कुल, मोबाइल बाहर रखवा रहे हैं जी। ये थोड़ा सा अटपटा सा लग रहा है, बाकी पिछले इलेक्शनों में कभी ऐसा देखा नहीं था, अब की बार ये नया काम किया है कि मोबाइल बाहर रखवा रहे हैं। तो ये सही है गलत है? क्योंकि कई बार इसके पीछे एक बात बताई गई कि लोग फोटो खींचते हैं, वीडियो बना लेते हैं वोट डालते वक्त, उससे मामला भड़क जाता है। ना ना ना, ऐसा कोई अंदर कोई ऐसी बात नहीं है, बिल्कुल आराम से वोट पड़ रहे हैं और बिल्कुल पूरी हेल्प कर रहे हैं, बता रहे हैं जी। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बहुत सारे बूथ बनाए गए हैं अलग अलग जगह जी। फिलहाल देखिए जिस तरीके से यहाँ पर वोट डाल के आ रहे हैं, कुछ लोग वोट डालने के लिए जा रहे हैं, और मुझे एक भाई साहब दिखे थे यहाँ पे, और ये एक दूसरा बूथ है यहाँ पर। इस तरीके से देखिए आप भीड़, और सामने भी भीड़ है, लोगों ने अपने एजेंट बैठा रखे हैं बूथों पर, और माहौल ऐसा है कि फिलहाल यहाँ पर हर कोई कोशिश कर रहा है कि वोट डाल के, और फिलहाल जितना उसके वो मैनेज कर पाए जी। एक भाई साहब मुझे मिल गए, बलवंत सिंह जी, जी आपकी मूछें जरूर यहाँ लोगों के केंद्र में रही होंगी, आपके जिस तरीके से तैनात किए गए हैं, माहौल कैसा है और पुलिस कैसे मैनेज कर? देखो जी ऐसा, पुलिस को तो अपनी ड्यूटी जरूरी है, और माहौल तो पब्लिक का काम है, हमारा काम नहीं है। तो
खुशनुमा तरीके से सारी ड्यूटी हो रही है, लोग भी वोटर भी सपोर्ट कर पा रहे हैं या थोड़ा बहुत होता है? मुझे तो ये लगता है ज्यादातर तो ये मेरे को ही देख रहे हैं। जिस तरीके से मुझे बनाई है, मेहनत की है, तो आप आकर्षण का केंद्र बन चुके हैं। हाँ, ये मेहनत का रंग ला रही है। हाँ, लगता है ऐसा कुछ। ये शौक कैसे, ये शौक ही है या कोई इसके पीछे कोई अध्यात्म या ऐसी कोई? नहीं 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 नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। पुलिस डिपार्टमेंट के अंदर आप मुझे रख सकते हो। अच्छा, आपको राइट है। शौक है और निशानी है। हाँ जी, मर्द की डिपार्टमेंट की निशानी है जी, मर्द की नहीं जी, पुलिस डिपार्टमेंट की। डिपार्टमेंट की? हाँ। ऊंचे होंगी तो डरेगा सामने वाला अपराधी? नहीं नहीं, अपराधी जरूर डरेगा। सर डर से नहीं है, ये प्रेम से। आप मेरे पास आए क्या डर से आए हो? अपराधी की सर ये आए आप भाई साहब डर से आए हो? यहाँ पे बलवंत सिंह, बलवंत सिंह ने माहौल बना रखा है। नहीं माहौल नहीं सर, हम अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। ड्यूटी कर रहे हैं, अगर माहौल की तरफ ध्यान दूंगा तो ड्यूटी नहीं कर सकते। टोक रहे हैं कुछ आके कि मूंछों के बारे में सवाल कर रहे हैं, ऐसा कुछ कर रहे हैं किसी ने? हंसी मजाक सर बस यही है भाई, हंसते हैं, देखते हैं, थोड़ा मुस्कुरा के स्माइल दे देते हैं बस। स्माइल ही काफी है, मतलब कि ड्यूटी फिर मजेदार हो जाए। हाँ जी हाँ सर। आकाश क्या माहौल क्या चल रहा है? कैंडिडेट है आकाश और यहाँ पे आप देख सकते हैं पिछली बार भी पार्षद रहे और अब भी, माहौल क्या चल रहा है? कितनी वोटिंग हो चुकी है, कितना माहौल बन चुका है? और चार बड़े चेहरे आपके यहाँ से चर्चाओं में रहे, आकाश को कितना डर लग रहा है कि यार पिछली बार की तरह बन पाऊंगा? देखो, डरेगा वो जो काम नहीं करेगा। मैं डर ही नहीं रहा क्योंकि मैंने करा है 5 साल काम और इसका रिजल्ट 22 तारीख को बताएंगे। पब्लिक 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 है, सब जानती है किसने काम किया किसने नहीं किया। लोग कुछ भी कहने दो और 22 तारीख को पता चलेगा रिजल्ट का कि कौन जीतेगा कौन हारेगा। फिलहाल देखिए भीड़ यहाँ पे काफी ज्यादा है और माहौल ऐसा बन चुका है, 22 जलेबियाँ उतार उतार के खिला रहे हैं जी। वोट डाल चुके हो या डालने जा रहे हो? ना मेरा वोट नहीं है जी। हाँ नहीं, मेरा नहीं, लेकिन मैनेज कर रहे हो स्थिति को? हाँ जी। एक 22 जलेबी वाले हैं, जलेबी भी ये खा रहे हैं आपकी या खाली भीड़ कर रहे हैं? जलेबी बिक रही है, मतलब वोटिंग हो रही है, उसका फायदा हो रहा है दुकानदारों का? अच्छा, बढ़िया फायदा हो रहा है, अभी दुगनी सेल हो जाएगी। हाँ, भाई की जलेबियाँ यहाँ पर है। मौसम भी ऐसा हो चुका है कि किसी ना किसी को यहाँ पर आना है, भूख लग जाएगी, मौसम बन चुका है। तो वोटिंग के साथ साथ जलेबियों का आनंद भी लोग ले रहे हैं और देखिए किस तरीके से पुलिस प्रशासन मैनेज करने में लगा हुआ व्यवस्था को थोड़ा सा दाएं होके, और माहौल ऐसा है कि हाँ जी क्या कहेंगे, फिलहाल क्या माहौल है यहाँ पे? साहब आ रहे हैं, पुलिस आ रही है, इतनी सारी भीड़ है, कैसे मैनेज होता है? माहौल भी भीड़ होते हैं और पुलिस ये सरकार आग्रह करती है ये बात। हम SHO साहब से एक छोटी सी बात करने की कोशिश करेंगे। राणा जी हैं सर, क्या माहौल क्या चल रहा है? ठीक है, पीसफुल चल रहा है। बाकी हमारे पुलिस की पेट्रोलिंग पार्टियां और काफ़ी मात्रा में फोर्स लगी हुई है और हम हर संभव कोशिश कर रहे हैं भी किसी तरह की किसी को कोई दिक्कत ना आए। इतनी सारी भीड़ है, आप राउंड पे राउंड चौक जितना सिटी थाने के अंदर आता है उसमें राउंड लग रहा है लगातार? बिल्कुल राउंड लगा रहे हैं और हम माइक के थ्रू अपनी गाड़ी के लोगों को अवेयर भी कर रहे हैं, उनको बता रहे हैं भी जिसका वोट डल गया आप घर जाइए, जिसने वोट डाल लिया वही रुकेगा यहाँ पे। माहौल पीसफुल ही रहेगा सर या संवेदनशील भी कोई जगह है? हमारी पूरी कोशिश है, हमारे पूरे पुलिस डिपार्टमेंट की, माहौल पूरी तरह से ठीक रहेगा और हम ठीक रखेंगे जी। फिलहाल देखिए नरेंद्र राणा जी के जहाँ होते हैं वहाँ ऑटोमेटिकली ये मैनेज कर लेते हैं माहौल को, और यहाँ पे देखिए कमाल हो रखा है, लोगों में चाव है और फिलहाल अलग अलग एजेंट बैठे हुए हैं, अलग अलग। दीपू राजा बड़े एक्टिव इंसान है, किसको हरा जिता रहे हैं ये नहीं पूछूंगा आपसे, लेकिन आज वोटिंग कितनी होने वाली है? वोटिंग लगभग 75 के बीच में हो जाएगी। ऊपर नहीं भेजेंगे? नहीं, मुश्किल है। किस वजह से रुकेगी, बारिश की वजह से? हमेशा ही पिछली बार 68 पॉइंट होती, उससे फिर बड़ी लास्ट मेरे हिसाब से 75 से ऊपर नहीं होगी। बाबू जी वोट डाला है या डालोगे? अभी डालेंगे। क्या लग रहा है, लोग चाव के साथ आ रहे हैं या फिर कोई कैंडिडेट जबरदस्ती कह रहा है कि चल? कैंडिडेट कोई जबरदस्ती नहीं कर रहा, वोट अपनी मर्जी का है और अपनी मर्जी करो जी। मुझे मिल गया है प्रदीप गोयल और ये कैंडिडेट हैं। इस मैं एक आपको क्लियर कर दूं, प्रदीप वार्ड 25 है? 28 जी। 28 नंबर वार्ड में आप देखिए कांटे की टक्कर है, चार कैंडिडेट ऐसे हैं जो कि माहौल बना रहे हैं कि बाबू जी वोट डाल के आए? बाबू जी डाल के आऊंगा। डाल के आओगे? हाँ। मतलब कि वोट डालना कितनी उम्र होगी आपकी? नहीं, 90 से ऊपर। 90 से ऊपर है, सलाम करता हूँ
देखिए लोकतंत्र और संविधान ने क्या कुछ कर रखा है। देखिए डंडे के तान पर और जा रहे हैं वोट डालने, जिता के दम लोगे किसी कैंडिडेट के कहने से आए हो या मन है कि डालना है वोट जरूरी है? मुझे अपना वोट जरूरी डालना है और मैंने अंग्रेजों की हुकूमत देखी, कांग्रेस की वजारत और मोदी की सरकार देख रहा हूँ। देखिए तरजी कमाल है यहाँ पे। प्रदीप माहौल क्या चल रहा है, क्या सिचुएशन? बहुत अच्छा माल चल रहा है, शांति प्रिय इलेक्शन चल रहा है, भाईचारे का इलेक्शन है। मुझे खुशी है सभी भाई प्यार से वोट डाल रहे हैं, हार जीत अपने कर्मों की है। मैं यही चाहता हूँ शांति प्रिय मतदान हो, जो जीते कोई दिक्कत नहीं, सभी भाई खड़े हैं। रात को साथ बैठ के लड्डू खाने सबने? हाँ जरूर खुवाएंगे आपको भी और सभी भाइयों को खिलाएंगे। बाबूजी ये कीचड़ हो गया आज तो सारा, लेकिन फिर भी वोटर आ रहे हैं दौड़ दौड़ के। वोट तो जरूर डालना सच्ची है सर। दीवानी की सिचुएशन बदलनी है जी, देर बदलनी है जी, वोटर बदलेगा? वोटर सारे वोट अपनी मर्जी था सर जी, और अपनी मर्जी से कहना को किसा दबाव में कोनी। देखिए कमाल है यहाँ पे, मैं ज्यादा भीड़ ये बच्चा छोटे छोटे बच्चों को देख के ये वोट डालने के लिए कमाल है, बच्चों को लेके आए हैं और यहाँ पर माहौल ऐसा है। फिलहाल हर कोई एजेंट बैठा हुआ है यहाँ पे और समझा रहा है वोटर्स को कि कहाँ वोट डालने। ये दुकानें यहाँ पे रोजाना अगर बात करें तो सामान बिकता है, लेकिन आज यहाँ पे पर्चियाँ दी जा रही हैं कि आपका वोट चेक किया जा रहा है कहाँ है। और टिक्के भाई मुझे मिल गए, कमाल की बात है, टिक्के भाई जहाँ खड़े होते हैं माहौल बना देते हैं। टिक्के भाई क्या चल रहा है? बहुत बढ़िया चल रहा है भाई साहब, झाड़ू फिर गए सारे भिवानी में। चलिए आज ये बात नहीं करेंगे किसका क्या है, लेकिन माहौल क्या है यहाँ? माहौल बढ़िया है, शांतिपूर्वक हो रहा है, भाईचारे से एक दूसरे को कोऑपरेट करते हुए मतदान हो रहा है, ये बड़ी खुशी की बात है जी। सामने देखिए वो कलम दवात वाले और वो सारे दवात वाले भी, झाड़ू वाले भी, कमल वाले सब एक दूसरे का है ना कोऑपरेट करके वोट डलवा रहे हैं। हाँ जी कोई वो वाली बात नहीं है, भाईचारे से डलवा रहे हैं। कई बूथों पे तो भीड़ कम है, यहाँ तो भीड़ ऐसी है कि जाम लगा हुआ थोड़ा सा प्रतीक है। भाई साहब कोई जल्दी डालने आ जाता है, कोई देर से डालने, यहाँ उत्साह ज्यादा है अपने उम्मीदवार के प्रति। ये बाल देखिए वहाँ पे सामने भी आप देखिए माहौल ऐसा बना रखा है लोगों ने कि यहाँ पे अपने अपने क्या समझाया जाता है। मैं इनसे ये सवाल ले लेता हूँ जी, क्या माहौल चल रहा है? माहौल बहुत बढ़िया है, तो कैंडिडेट के लिए जी जान लगा रखी है सबने? बिल्कुल लगा रखी है जी। अच्छा जी 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 और जी क्या हाल चल रहा है? मैदान में अलग अलग खिलाड़ी हैं, उन खिलाड़ियों के सारे जितने भी यहाँ एजेंट हैं आपस में भाईचारे के साथ काम करते हैं? सभी एकदम भाईचारा महसूस करते हैं और बढ़िया से बढ़िया वो चल रहा है। हाँ जी फिलहाल स्थिति यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सही स्थिति के साथ काम किया जा रहा है, पुलिस भी काम कर पा रही है। और कमाल है कि भिवानी में बाजार में संडे को वैसे तो भीड़ बहुत कम रहती है और ऐसे से युवा ये भी ठीक ठाक रहे, काम करते रहे, इसलिए पुलिस भी लगातार तैनात है। और सामने देख सकते हैं कि बाजार में आज फिर दोबारा से भीड़ है और भीड़ ने ऐसा माहौल बना रखा है कि आज तो मेला लग गया भिवानी में, बाजार में भीड़ नहीं होती संडे वाले दिन, लेकिन यहाँ पे कमाल कर रखा है मेरे साथ जी। क्या माहौल है दुआ साहब, क्या माहौल है? बढ़िया माहौल है जी, बढ़िया शांतिपूर्ण तरीके से इलेक्शन चल रहा है। हाँ आज लगता है कि भिवानी में बदलाव होगा, कुछ 100% बदलाव होगा, जनता मोहर मारेगी बदलाव। उसको भी एक बार दिखा दें, इनको दिखा दें, देखिए ये सारे यहाँ पे व्यवस्था बनाने जी जी जी। फिलहाल फिलहाल ये बूथ पे जितने एजेंट बैठे हैं, ये लोग बैठे हैं, ये मैनेज कर रहे हैं सारी स्थिति को। और बाजार वैसे तो बंद है लेकिन गर्म है माहौल आप देख सकते हैं। और फिलहाल आप देख रहे हैं जी क्या माहौल, वोट डाल के आए हो कि वोट का आनंद लेने आए हो? इस भीड़ का वोट भी डाल के आए हैं, वोट का आनंद भी लेके आए हैं। तो इस वीडियो को शेयर करें, आपको लगातार चुनाव की तस्वीरें हम दिखा रहे हैं भिवानी में। फिलहाल 3 बूथ आसपास हैं और इन बूथों पर आपने देखा किस तरीके से मेले की तरह हुजूम उमड़ा है, भीड़ उमड़ी है, माहौल ऐसा है कि हर कोई चाव के साथ वोट करने के लिए फिलहाल पहुंचा है। चाहे बारिश पड़ रही हो लेकिन फिर भी लोग पहुंचे हैं कीचड़ के बीच में से, कौन सा अब की बार कमाल करने वाला है या फिर किसकी तरफ ये लोग जाने वाले हैं, किस कैंडिडेट की आज ये घर में फूल पटाखे उड़ने वाले हैं, बिखरने वाले हैं, आप क्या कहेंगे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। लिखते रहें कौन जीतने वाला है, तब तक के लिए धन्यवाद। राम राम।